आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है पुष्कर सिंह करायत और मैं अभी हूँ राधिघाट क्षेत्र में कैंची धाम से 8 किलोमीटर आगे। और अभी ये जो है, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये सिप्रा नदी है जो कैंची धाम से होकर के आती है और अभी राधिघाट क्षेत्र को पहुँची है। बहुत ज़्यादा उफान पर है, साथ में यहाँ पर रास्ते ख़राब हो गए हैं। जो आगे यह रास्ता आप देख रहे हो यहाँ से, गाइस ये देखो, ये भाई लोग भी यहाँ पर आए हैं यह रोड देखने के लिए, लेकिन रोड तो गायब है। लेकिन देखेंगे क्या गाइस, यहाँ पर देखो नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है और साथ में रोड गायब हो गई है। आगे जाके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये नदी का कुछ बेहतरीन और बहुत ज़्यादा भयंकर मंजर, ठीक है। और ये आगे को जा रहा है सीधे, अभी मैं नीचे पुल से दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर रोड वगैरह गायब हो चुकी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पूरा रोड ही गायब हो चुका है यहाँ से और आगे तक। दिन में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो पानी यहाँ से बह रहा था और हो सकता है उस समय वहाँ पर रोड ना टूटी, अब रोड टूट गई तो पानी वहाँ से अंदर को निकल गया। चलो भाई, तो मैं और कन्नू भाई आए हैं इधर यहाँ राधिघाट पर। ये रास्ता ये देख लो आप, ये रास्ता पूरा गायब हो चुका है। ये देख लो, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं इसमें फिर से एक बार। ये 2021 में जब बहुत भयंकर बाढ़ आई थी ना, तो उस समय ये हो गया था और उस समय पूरा गायब हो गया था और अभी भी हो गया है। अभी तो इतना भयंकर हो गया है, अब लग रहा है, देखो ये ख़तरनाक लग रहा है ना बिल्कुल। ये देख लो गाइस, ये हो गया गजब। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए, ये है हमारे तरदा। क्या हाल चाल है, कैसा हो रहा है? ये बहुत बुरा हाल हो गया। ये रोड कब बनेगी? ऐसे तो लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्या कहना चाहोगे? हम नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है दादा, थोड़ा जोर से, क्योंकि आवाज़ आज नदी जो पिछला 3 साल बीत गया, जो इससे पहले जो आपदा आई थी, हाँ, तो इसमें खाली एक मिट्टी बिछाई गई, हाँ, खाली एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई जिसमें ये बहुत बड़ा हादसा, इसमें नुकसान हुआ था। लेकिन तब से ना इसमें शासन की ओर से कुछ देखा ही नहीं गया, एक रुपया नहीं लगा। हाँ। यहाँ तक कि इसमें कभी कभी जब खड्डे हो जाते थे तो हम अपनी गाड़ियों से मिट्टी ला के इसमें बिछाते थे, लेकिन आज तक शासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे इस पर काम हो जाता। जहाँ वो सामने नदी दिख रही है, अगर वहाँ फ्लम्प पड़ जाते तो शायद मेरे हिसाब से ये रोड आज सुरक्षित रहती। हाँ, ये यहाँ से पानी उधर को कट जाता, पानी उधर से कट जाता, काफ़ी अच्छी जगह थी। इन लोगों ने खाली इसमें मिट्टी भरवाई है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं किया। ये बात सही है, इसमें जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो, इसमें मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं। और इतने बड़े गड्ढे, मतलब सिर्फ 2 दिन की बारिश में, अगर यहाँ पर देखिए ना, ये वाला स्पॉट है यहाँ पे जो है, तो हमने इनसे बोला था कि इसको प्लम्प डाल दो। हाँ, और उसमें बहुत बेहतरीन काम था, लेकिन इन्होंने इस पर जो है ना प्लम्प ना डाल के खाली मलवा डाल के इसको रख दिया। अभी आप देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर ये रोड यहाँ से पूरी बह जाए, क्योंकि खाली एक वैकल्पिक व्यवस्था करी गई थी। और पिछले 3 साल से इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी जो इतने गाँव को जोड़ती है ये रोड, लेकिन इस पर इन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया आज तक, कोई वर्क नहीं। हाँ। अगर शायद इस पर काम हुआ होता तो दीवारें आप देखिए ना, जहाँ आधी बनी है, अगर उसकी हाइट 2 मीटर है और 1.5 मीटर बनी है, तो वहीं मलबे से वहीं छोड़ दी गई है पिछले 3 साल से। इसको देखने वाला कभी कोई नहीं है, झाड़ियों की ऐसी स्थिति है, पूरी रोड बंद है और होने को ये मेन रास्ता है। इसके आगे जो है प्रधानमंत्री रोड सड़क बनी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन शासन ने जो है एक रुपया खर्च नहीं किया, मात्र 100 मीटर का दायरा है। और मेन रास्ता जो है वही खत्म हो चुका है, मात्र 100 मीटर है। यहाँ पे से लगाइए पुल तक की दूरी इसमें 100 मीटर है, और इस 100 मीटर पे 1 रुपया नहीं लगा। खाली एक काम चलाओ, उसमें मलबा लाए गाड़ियों से और इसमें मलबा भर दिया गया और बाकी कुछ नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर भी आप आगे भी देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, यहाँ देखो, और ये मकान भी मतलब अनसेफ जैसा हो गया है, इतना खतरनाक हो रहा है। ये जैसे देख सकते हैं, यहाँ से निकल गया, यहाँ से सब निकला और ये गड्ढा सारा, इसमें से जितनी मिट्टी थी वो बह चुकी है और ये ऐसे बच गया और ये निकल गया। देख लो, ये हो गया, और साथ में इधर देखते हैं, ये सब मिट्टी है, ठीक है, ये सब निकल गया यहाँ से, ये पत्थर की वजह से थोड़ा सा ये रोड इधर को बच गई है। अभी हम लोग आ गए हैं ऊपर वाली रोड में। ये रोड ना पहले इसके लेवल में थी, बहुत हाइट पर थी मतलब, और ये जो पिछले 3 साल पहले जो आपदा आई थी उसमें इसने बहुत डाउन कर दिया। अब इसने इसको मिक्स कर दिया उधर, और अब ये जा कर के ये कंटिन्यूसली ख़राब हो रहा है। ये देखो गाइस, थोड़ा सा दूर जा कर के हम देखते हैं नदी का हाल, ऐसा कुछ हो रहा गाइस।
अब जो हम बाइक लेके आएंगे ना वो इस वाले रास्ते से चढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, यहाँ से चढ़ाएंगे, इस वाले रास्ते से बाहर निकालेंगे। ये रास्ता बंद हुआ था वहाँ गर्म पानी के पास में, तो NH कभी बंद नहीं होता ज़्यादा देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा बस, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अभी तक यहाँ पर से बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, ऊपर रोड में पहुँच चुकी हैं, तो अभी जब गाड़ियाँ आएंगी तो फिर से दिखाऊँगा। और सामने ये सामने कफुल्टा वाली जो नदी है, कफुल्टा वाली है, ये नैनीताल से आ रही है और हमारे गांव की तरफ हॉल लगा हुआ है इस तरफ। यहाँ पर देखो पूरा हॉल उड़ गया गाइस, ये नज़ारे होते हैं पहाड़ के बारिश के बाद। आगे रानीखेत की तरफ भी बिल्कुल हॉल लगा हुआ है। तो ये भाई यूट्यूब में लाइव था ना, मैं उस समय इन्होंने लाइव देख के यहाँ आ चुके हैं, उन्होंने कहा हम भी चलते हैं। ये देखो गाड़ी आ गई है, अभी बसें चल रही थी तो ये गाड़ियाँ पास होते रहेंगी। ये देखो गाइस इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है ना, यहाँ से देखो गाइस राधीघाट वाला ये नदी है और सामने कफुल्टा वाली, ये जो आप वहाँ से आता ना नैनीताल से, ये पूरा फैलता हुआ आ रहा है पूरा। हमने सोचा था हम नीचे जाएंगे बट अभी बहुत देर हो चुकी है और मौसम बहुत ख़तरनाक बन रहा है, तो अभी हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ तो कल आएंगे फिर जा कर के फिर दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये बीच बीच में ना ऐसी जगहों से पत्थर आते रहते हैं, यहाँ पर तो बहुत कम आए हैं। कैंची धाम से नीचे थोड़ा पत्थर आते हैं और आगे गर्म पानी पर थोड़ा सा आते हैं, उसके बाद सीधे आप ना अल्मोड़ा वाला रोड पे। ये देखो NH के पास से भी यहाँ से भी रोड चले गई है नीचे को पूरा, ये दीवार टूट गई है इतनी बाहर से, ठीक है। ये देख लो यहाँ से ये मिक्स हो गए दोनों नदियाँ, ये जो आप कैंची धाम से सिपरा आती है वो, और सामने से जो ये नदी आ रही है ये अपना कफुल्टा वाली नदी, ठीक है। चाचा जी कैसे हो, बढ़िया। ये जो हॉल उठ रहा है यहाँ पर से एक नदी और कनेक्ट करेगी इसी को, और थोड़ा सा आगे जा कर के एक नदी और कनेक्ट करेगी उधर से आती है जो, फिर चार नदियाँ पहुँचेंगी गर्म पानी में। यहाँ से आगे को कफुल्टा गांव, पहले से पैदल चलते थे तो ये नदियाँ क्रॉस करते थे लोग, मतलब स्कूल के बच्चे, तो उस टाइम पर स्कूल के बच्चों के लिए ये नदी कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो फिर हम लोग भी चलते हैं, आज हम नीचे जाने का प्रोग्राम अब कैंसिल करते हैं, पुल से थोड़ा व्यू दिखाऊंगा वहाँ के, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है गाइस। ओके, जिसको भी वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। कीप वॉचिंग, पहाड़ों का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, कैंची धाम और पहाड़ों का, कैंची धाम का मोस्टली अपडेट मैं इंस्टाग्राम पर देता हूँ। और जय श्री राम। नाउ वी आर ईटिंग चॉकलेट, कौन सी वाली, नकली चॉकलेट ईटिंग वी आर, ठीक है गाइस। कन्नू भाई लेके आता और ये मिश्री लेके आया, ताई जी ने फ़ोन करके मिश्री मंगा दी थी तो मिश्री लेके जा रहा है, ठीक है। ये है रातीघाट का बोर्ड, अभी हम लोग ना यहाँ पर ताई जी के वहाँ पर आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं, ये देखो मेला लगा हुआ है ना यहाँ पर लोगों का, सब लोग चिंतित हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा करके, कि कैसा नदी हो रहा है, ये सभी लोग आए हुए हैं। और साथ में यहाँ पर देखो पुल के पास में सभी महिलाएँ आई हुई हैं देखने के लिए नदी का रूप कैसा हो रहा है। यहाँ से बाइक निकालने वाला रास्ता तो ये वाला है, लेकिन ये रास्ता भी ऊपर ना क्षतिग्रस्त हुआ है, मैंने इसकी रिपोर्ट भी करी थी पोर्टल पे, तो अभी तक इसका कोई रिस्पांस नहीं है। ये देख रहे हो आप, यहाँ से बाइक निकलने वाला भी नहीं हो पाएगा अब, मतलब जैसे तैसे ले जाएंगे लोग रिस्क में, तो ऐसा कुछ होगा। ये है पुल और पुल से नदी का बहाव कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखो एक ये पत्थर है ना, ऐसे जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनकी वजह से थोड़ा पुल बच जाता है, जैसे वो वाला पत्थर है, ये पानी के बहाव को टक्कर को थोड़ा कम कर देता है, ठीक है। कन्नू भाई जादू बन के घूम रहा है यहाँ पर, ये देख लो ये सब निकल गया। ये वाला जो रास्ता है ना, ये शमशान घाट को जाने वाला रास्ता है, तो ये बहुत सारे गाँव को कनेक्ट करता है, तो ये भी लगभग यहाँ से चला गया, तो कहीं ना कहीं इनमें काम होना चाहिए। और क्योंकि ये रास्ता किसी टाइम पर ये यहाँ कहीं होता था इस तरफ, अभी जाते जाते यहाँ पहुँच चुका है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कत तो है ही, तो ये रास्ते बनने तो चाहिए। अगर प्रशासन तक ये वीडियो जा रही है तो कृपया इन सब चीज़ों में गौर करें। ये देख लो गाइस जादू, जादू आज बारिश है दू, दू। इसकी शक्तियाँ कम हो गई, जादू की टोपी लगाता हूँ ये हमारा जादू नहीं हो पा रहा है। अरे देखो यार जादू की टोपी नहीं लग रही है जादू ऐसे था जादू हाँ ये जादू ये आया जादू।
गाइस ये हमारा जादू। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राधेघाट क्षेत्र में, मतलब ये हमारी लोकल की मार्केट है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। सब लोग अब पैदल हो चुके हैं, जिनके पास भी गाड़ियाँ थी वो रोड पर खड़ी हो गई, हमारे पास बाइक है तो घर ही है, तो हम तो ले ही जाएंगे। और फिर चलो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके ब्रो, ओके ओके जादू, ओके जादू, ठीक है। चलो गाइस, ओके बाय, सी यू, टेक केयर।